तो 16 जनवरी को शुरू होने वाले टीकाकरण के प्रथम चरण के लिए कोरोना की वैक्सीन बूंदी पहुंच चुकी है। यहां प्रथम चरण में 9,620 व्यक्तियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं पहले दिन जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडौली और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालेडा में टीकाकरण होगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ महेंद्र त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एयू खान भी उपस्थित रहे। चलिए अधिक अपडेट के साथ बूंदी से संवाददाता कमलेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए बूंदी पहुंच चुकी है कोरोना की वैक्सीन और यहां पर किन किन लोगों को कैटेगराइज किया गया है? फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए कल से अभियान शुरू हो रहा है, क्या जानकारी? जी जयती, पहले चरण के लिए कल से जो वैक्सीनेशन होगा वो तालेडा और सामुदायिक केंद्र तालेडा व हिंडोली में वैक्सीनेशन होगा। उसको लेकर 9,620 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन की इस पर पूरी नजर है। लंबे इंतजार के बाद वैक्सीन पहुंची है, लोगों में उत्साह है वैक्सीन को लेकर। पहले में जो स्वास्थ्य कर्मी है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। कमलेश, अगर व्यवस्थाओं की मैं बात करूं, वहां पर कोविड वैक्सीन को रखने के लिए स्टोरेज के लिए कितनी डोजेस वहां पहुंची है और कौन कौन वहां मौजूद रहा, तो उसके बारे में क्या अपडेट? जी, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की इस पर पूरी नजर है। पिछले दिनों उन्होंने संग्रहण केंद्र का निरीक्षण भी किया था और उसको लेकर चिकित्सा प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। वैक्सीन को रखने के लिए यहाँ 3 जगह व्यवस्था की गई है और पूरी माकूल व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन यहाँ पहुंच चुकी है। जी, चलिए कमलेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।